हुकूमत करनी है। इमाम की हुकूमत ऐसी होगी कि इंसानियत तरक्की के कमाल पे होगी। अभी जितनी तरक्की इंसानियत ने की है वो दो हरूफ है, जब इमाम तशरीफ लाएंगे तो 25 हरूफ तक इंसान की अकलें इर्तिका करेंगी। अभी कितनी तरक्की है, इंसान गाड़ियां हवा में उड़ रही हैं, इलेक्ट्रॉनिक गाड़ियां हैं, इंसान जो है वो फजाओं में घूम रहा है, पता नहीं आप यहाँ बैठे हैं दुनिया आपको देख रही है, आहिस्ता आहिस्ता टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। अभी जो है वो ऐसे ऐसे वैक्यूम बन रहे हैं कि इंसान सेकंड्स के अंदर एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगा, और पता नहीं क्या क्या कितनी तरक्कियाँ इंसान किए जा रहा है। ये सारी तरक्कियाँ कुछ भी नहीं है कि जब इमाम आएंगे तो तरक्की होगी। एक ऐसी हुकूमत तश्कील होगी जिसमें अमनियत होगी। रिवायत मशहूर है कि खातून अपने सर पे अगर सोना लेके जा रही होगी तो कोई लालच से देखेगा नहीं, यानी कैसी अमनियत होगी। यहां तो मोबाइल लेके रोड पे निकलो तो लोग छीन लेते हैं, सोना तो दूर की बात है। तो इसका मतलब है कि हम अभी माशरे को वहां लेके नहीं गए, माशरे को वहां लेके जाना पड़ेगा, पहले घर को, फिर कम्युनिटी को, फिर शहर को, फिर मुल्क को उस तरफ लेके जाए। आसान नहीं है, हम लोग सोचते नहीं है कैसे ये पूरी दुनिया इमाम को पीछे चलेगी, कैसे चलेगी है? कभी सोचा आपने? तो क्योंकि अपनी जिंदगी में मसरूफ है, हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, इमाम आए दिया है मौलाना क्या फर्क, मेरी तो नौकरी चल रही है, मेरा घर चल रहा है, मेरा कारोबार चल रहा है, अभी इमाम को कहा मौला आप बुला रहे हैं, टेंशन हो जाएगी जिंदगी में। पहले कोई सोचता है कि मैं इमाम की हुकूमत में क्या करूंगा, कोई सोचता है कि मैं इमाम की हुकूमत में मेरी नौकरी क्या होगी, क्या है मेरे पास एक्सपर्टीज, क्या है मेरी सीवी में, क्या है जैसे जो इमाम मेरा इंतखाब करे, कौन सोचेगा? मैं तैयार हूं, मेरा घर तैयार है, मेरा घर इस काबिल है मैं इमाम को दावत दूं, घर दूर की बात, मेरा मोबाइल इस काबिल है कि मैं इमाम को दूं, है मेरे मोबाइल इस काबिल कि मैं दे दूं मौला ये रख लें, इसमें कोई गलत चीज नहीं है। आप माँ बाप से छुपाने के लिए तो ब्राउजर की हिस्ट्री डिलीट कर सकते हैं, इमाम से नहीं कर सकते। जब मैं तैयार ही नहीं हूं कहां पहुंचाऊंगा, कौन बुलाएगा? ज्यादा तुम कार्य